अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस विद ए डॉट ए। वीवर्स, मैं आपको इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी और 1962 से लेके 2005 तक जितनी भी एप्स वगैरह लॉन्च की गई और इंटरनेट में जो चेंजिंग आई उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस विद ए डॉट ए सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि वो आने वाली हर वीडियो देख सकें। सो आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। व्यूअर्स, क्या आपने कभी इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए सोचा है कि ये चंद बटन दबाने पर मालूमात का समंदर हमारे सामने मौजूद होता है। आज के लिए इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में इंटरनेट की खिदमत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन के रह गई है। अब कोई भी मालूमात हमारी फिंगर टिप्स पे होते हैं। हम अपने अजीजों से बात कर सकते हैं, इनको वीडियो कॉल पर ले सकते हैं, उन्हें मैसेजेस कर सकते हैं और अपनी तस्वीरें वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत सी किताबें भी हैं, फिल्में भी हैं, नावल्स भी हैं और मालूमती चीज़ें भी पड़ी हुई हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ऑनलाइन गेम्स भी हम खेल सकते हैं। इसके अलावा आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। आजकल सब कुछ इंटरनेट के ज़रिए हो रहा है। सो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि इंटरनेट कहाँ से आया, किसने बनाया। दरअसल ये ना बहुत ही इंटेलिजेंट इंसानों की मेहनत का नतीजा है। इंटरनेट की तारीख पे अगर हम नज़र दोहराएं तो ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, बस 55 साल पुरानी है। 1962 में GCR लाइक नामी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटरगैलेक्टिक नामी नेटवर्क की बुनियाद रखी। दरअसल ये एक ऐसी एजेंसी से तल्लक रखते थे जिसका नाम DARPA यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी था। इनका फर्स्ट एम्बिशन लोगों को हर तरह की मालूमात फ्राहम करना था। बस इस ख्वाब को लेकर GCR लाइक ने मैदान में उतरे और DARPA के हेड बने। इनके दो बेटे थे, वेंटर गिफ्ट और बॉबकन, जिन्होंने 1964 में इंटरगैलेक्टिक का नाम इंटरनेट रख दिया और अपने फादर GCR के लाइक के मकसद को आगे बढ़ाया। इसके बाद 1976 में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रॉबर्ट ग्रिफ्थ, उन्होंने एक तार ईजाद किया जिसे इथरनेट को एक्सिकल केबल कहते हैं। इसके जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता था, जैसे टेक्स्ट वगैरह, मगर ये महदूद जगह पर काम करता था, जैसे कि सिर्फ ये ऑफिस में काम करता था, स्कूल में या किसी खास अदारे में। फिर 1983 में वैन ग्रिफ्थ और बॉबकन ने DARPA का नाम चेंज कर दिया और ARPA नेट रख दिया और साथ ही ये शर्त भी रख दी जिसे भी इंटरनेट दरकार होगा उसे TCP लेना होगा। ये तो अभी शुरुआत थी। एक दफ़ा फिर GCR लाइक के दोनों बेटे वैन ग्रिफ्थ और बॉबकन ने एक अहम कदम उठाया और एक कंपनी ISB की बुनियाद रखी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके दो फायदे थे, एक तो इनके फादर GCR लाइक के का ख्वाब पूरा हुआ और दूसरा परसों का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला था क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अब घर घर जा सकता था, बिल्कुल टेलीफोन तार की तरह। और इसके साथ ही एक रिसीवर भी दिया जाता जिसको हम मॉडेम के नाम से जानते हैं। ये बआसानी किसी भी सार्फ का कंप्यूटर इंटरनेट के साथ मुंसलिक कर सकता था और डाटा ट्रांसफ़र कर सकता था और कंपनी इसका बिल भी वसूल करती थी और ये डायलॉग सिस्टम कहलाता था। व्यूअर्स, मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे पहले पिज़्ज़ा हट ने ऑनलाइन सर्विस को शुरू किया था और पिज़्ज़ा बुक करवाना इंतहाई आसान कर दिया था, मगर अभी भी काफ़ी इसमें कमियां थी। 1996 में वो साल था जब पहली मरतबा हॉटमेल सर्विस ईजाद की गई और इसमें लेटर इंटरनेट के थ्रू भेजे जाने लगे और इसी साल हमारा जाना माना सर्च इंजन गूगल लॉन्च हुआ। इसके बाद 1998 शुरू हुआ और 1998 में इंटरनेट की तारों से तंग आकर एक यंग मैन ने कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि जैसे आवाज़ बिना किसी तार के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है तो फिर इंटरनेट क्यों नहीं ऐसे हो सकता बगैर तारों के। इसी दौरान वाईफाई को लॉन्च किया गया
यानी कि वायरलेस फर्टिलिटी, जिसने मॉडेम की वैल्यू को कम कर दिया और वाईफाई को नेपस्टर ने लॉन्च किया था। ये इसके बाद हम आते हैं विकिपीडिया वेबसाइट की तरफ। विकिपीडिया वेबसाइट 2001 में मुतारफ़ करवाई गई और इससे एजुकेशनल सिस्टम पर्पज़ के लिए बनाया गया था, ताकि एजुकेशनल सिस्टम की मुश्किलात को दूर किया जा सके। मगर फिर एक नए दौर का आगाज हुआ। अब हम आते हैं 2003 की तरफ। 2003 की आमद के साथ ही इंटरनेट पर एजुकेशन के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी शुरू की गई, ताकि लोग एजुकेशन के साथ साथ सैर तफरीह भी हासिल कर सकें। एप्पल कंपनी ने आईट्यून नामी साइट पर 2000 सॉन्ग अपलोड किए और उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी भी हासिल हुई। फिर हम आते हैं 2004 की तरफ। 2004 में जीमेल आ गया और इसकी डाटा स्टोरेज जो थी वो 1 GB थी, जबकि इससे पहले अगर हम हॉटमेल और याहू की तरफ देखें तो हॉटमेल और याहू में तो सिर्फ 2-4 MB ही दिए जाते थे। इसलिए जीमेल जब आया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार भी किया। फिर अब इंटरनेट पर वीडियो की बारी आती है, जो कि 2005 में शुरू की गई। 2005 में यूट्यूब को लॉन्च किया गया। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड भी की जा सकती थी और डाउनलोड भी की जा सकती थी, इस वजह से लोगों ने इस ऐप को बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिर हम आते हैं 2006 की तरफ। 2006 में ट्विटर और फेसबुक जैसी ऐप को लॉन्च किया गया और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी थी और इसमें एजुकेशन के हवाले से भी बहुत कुछ था। इसमें आप पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ आएँ या एजुकेशनल सिस्टम की तरफ आएँ, इनमें दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और साथ साथ हमें इंटरटेनमेंट दी जाती है। तो इसके बारे में तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सब लोग फेसबुक, ट्विटर और इस मैनी अदर ऐप्स आप लोग यूज़ करते होंगे। सोशल मीडिया तो आजकल हर कोई यूज़ करता है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी, आपको इंटरनेट की हिस्ट्री अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल इंफॉर्मेटिव वीडियोज विद A.A। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।